Hey guys, welcome back to my new vlog. तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अब जाके मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो बस अब से ऐसे ही मैं व्लॉग बनाऊंगा, डेली व्लॉग आएगा, डेली नहीं तो हर दूसरे दिन आएगा, लेकिन आएगा अब ज़रूर। बहुत हो गया यार, बहुत दिनों से मतलब अब व्लॉग डाल नहीं पा रहा हूँ। अब मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा या फिर 2 दिन में एक बार, मतलब करूँगा ज़रूर। तो एक ना एक व्लॉग तो आएगा हर दूसरे दिन में। तो बस अब से व्लॉगिंग होगी। और पिछले कुछ दिनों से मेरा व्लॉग ऐसे भी नहीं आया क्योंकि मुझे बुखार हो गया था, फीवर था। पिछले 5-6 दिनों से मैं बेड पर पड़ा हूँ और मतलब बिल्कुल जान नहीं बची थी हाथों में, पैरों में, मतलब हालत ख़राब थी एकदम। और उसके बाद फिर मम्मा को बुखार हो गया, तो अब मुझे भी ठीक है और मम्मा को भी थोड़ा बहुत ठीक है बुखार है। तो बस अब से व्लॉगिंग मैं करूँगा। देख लो अभी मेरे ना अभी भी इतनी जान नहीं है, एक हाथ में कैमरा पकड़ा नहीं जा रहा, बार बार हाथ चेंज कर रहा हूँ मैं। तो बाकी तो ठीक है और अब देखते हैं क्या करना है। थोड़ा बहुत ज़्यादा गंद मच चुका है यार, क्योंकि मम्मा बीमार है ना, तो फिर काम कौन करेगा, काम होता ही नहीं किसी से। तो अब जल्दी जल्दी ना सफाई करते हैं, थोड़ी बहुत ही मोट के ना सफाई कर रहे थे, तो मैं भी करता हूँ जल्दी जल्दी। गेट बंद कर लो। अच्छा सबसे पहले ये देखो, ये भी दरवाज़ा लगवा लिया, जाली वाला। मतलब पहले ऐसा नहीं था ना, पहले सिर्फ ये था, सिर्फ ये अकेला ये वाला दरवाज़ा था, अब ये भी लगवा लिया। सेम जैसे ये वैसे ही ये वाला हो जाएगा अब। तो अभी तो वो अब बस इसको पेंट करवाना है, बाकी तो ठीक है। और ये यहाँ पे देखो कितना गंद मचा हुआ है, ये सफाई वो करके गए थे दरवाजे लगाए गए, सब किले वगैरह इधर पड़े हैं, इसको फटाफट से उठाते हैं, एक बार साफ़ करते हैं यार अच्छे से। मेरी आवाज़ से आपको वैसे पता चल ही रहा होगा, अभी मेरा पूरा बुखार ठीक नहीं हुआ है, गले में ऐसे खराश ही है, पता नहीं कब तक ठीक होगा। ये देखो ये मैंने पूरा साफ़ कर दिया, रंग कर जी आए हैं, हमारे अंकल जी आए हैं जिन्होंने ये दरवाजे वगैरह लगाए ना। नमस्ते मैम जी। थोड़ा सा इधर काम रहता है, वो करने आए हैं। और अंकल जी ठीक हो? ठीक है बढ़िया। हिंदी बोलो, हिंदी। हिंदी अपन आती नहीं, पंजाबी वाले देख पंजाबी बोल रही है। और ये देखो मम्मा भी अब बुखार से उठ के अब काम कर रहे हैं। मम्मा को बोलते हैं मेरी किचन का आपने हालत खराब कर दी, तो अब खुद ही उसको बस ठीक कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। बीमार बैठे हुए हैं, पर बार बार ना मेरे को 5-6 बार बोला होगा ये क्या कर दिया मेरी किचन का, ये क्या कर दिया। बीमार में भी चाहिए काम बता लगा रखा है, बस खाना ही खाते हैं बना के। मैं कर रहा था पता है, बार बार सफाई मैं कर रहा था, पर बाकी सभी आके गंद डाल रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ, मैंने अकेले ने सफाई की। दिखाई दे रहा है ना, बस करो अब। अरे बहुत काम पड़ा, ये मैं कर देता हूँ ना। मैंने बता दिया इनको, मैं हर दूसरे दिन व्लॉग करूंगा, ठीक है। मतलब हर दूसरे दिन एक व्लॉग डालूंगा, पोस्ट करूंगा। अभी तो बड़े दिनों से आ नहीं ना रहा है, अब हर दूसरे दिन एक आएगा। सुबह ऑनलाइन क्लासेस ही लगती है, तो अब देखते हैं कैसे करूँगा। उन्हें कैसे लगाने के बाद बनाऊंगा व्लॉग, फिर रात को एडिट करके डाल दूंगा। ऐसे ही हुआ अब, नहीं तो डालना तो चाहिए ना, कितने दिन हो गए। हाँ अब ऐसे ही करूँगा मैं, हर दूसरे दिन एक डालूंगा ना, जैसे एक दिन बना लिया, एक दिन एडिट करके फिर डाल दिया, ऐसे कर लूँगा। अभी तो फिर स्कूल भी है, क्लासेस है, इसीलिए ज़्यादा होता नहीं है, नहीं तो मैं डालता। ये देखो ये मम्मा की दवाई सब, और ये मेरी दवाई है, दवाई दवाई होगी घर पे। हाँ बस दवाई दवाई होगी है, अभी वो पीते हैं। मेरे को और ORS पीने को बोला है, और मम्मा को भी, मम्मा कल आया, मम्मा पी नहीं रहे। पी लो ना अभी वो, ये वाला पी लो ना, दूसरा वाला घोल के पी। घोलने वाला नहीं, ये तो पहले से घुला हुआ, इसका घोलो, ये पी लो। कैसा क्या, बहुत टेस्टी है, पियो इसको। ये मम्मा के लिए ORS। तो अब मम्मा बैठ गए सफाई करके, अरे वाह एकदम साफ कर दिया है, देखो बस बर्तन धोने हैं, वो मैं धो दूंगा।
बाकी तो ये तो अच्छे से कर दिया, अच्छा है ना, ठीक ही लग रहा है, पी लेते हैं पहले। और मेरे बाल भी देखो कितने लंबे हो गए हैं, ये देखो कटवाने हैं, देखते हैं कल जाऊंगा परसों, नहीं तो देखते हैं आप कब कटवाएंगे। और स्कूल का तो कोई नामो निशान नहीं है, वो लगने ही नहीं वाले, इसलिए इतना अब टेंशन नहीं होती बाल कटवाने की। तो स्कूल वाले बोलते थे ऐसे कटवाओ ऐसे कटवाओ, अब तो ठीक है, अब अपनी मर्ज़ी है, जब मर्जी कटवाओ जैसे मर्ज़ी कटवाओ। अरे बाहर तो अंधेरा बहुत है, लाइट तो जलाई, हाँ अब ठीक है, वो गेट की भी जला देते हैं, गेट की भी लाइट जला दी अच्छे से। ये देखो, ये देखो मम्मा ने बर्तन भी खुद ही साफ कर दिए। नहीं अब आप क्या करने लगे, दाल चावल, दाल चावल बनाओगे? पापा ने बोला मैं बनाता हूँ आके, पापा लेट हो जाएंगे, पापा भी अपना गए हैं डेंटिस्ट के पास, दांत निकलवा रहे हैं, वो निकलवा के नहीं लगवाएंगे। ये दाल बनानी है यार, कुछ अच्छा बनाओ, बीमार है कौन, स्वाद नहीं लगाना। तो अभी पापा भी आ गए हैं अपने डेंटिस्ट के पास से, और अभी दोनों लगे हैं दाल बनाने में, दाल और साथ में चावल, अब वही खाएंगे। और मम्मा ने बर्तन भी धो दिए थे, अभी भी देखो अभी भी काम कर रहे हैं, मैं भी करवा रहा हूँ साथ में, बस थोड़ा बहुत जैसे हो रहा है कर रहे हैं मिलके। और पापा ने तो आते ही दाल चढ़ा दी थी, दाल बना रहे थे, पापा बना रहे हैं दाल, और मम्मा अभी बर्तन धो रहे हैं बाकी के जो बचे हुए थे। ओहो ये देखो सारे धो दिए यहाँ पे, अब ठीक हो ना? मूंग की दाल मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मूंग की दाल, पर अभी क्या करें, अब तो खानी पड़ेगी ना, अब जो बनाया है एक तो ऐसे इतनी मुश्किल से बनाया है, मम्मा की तबीयत ख़राब। अभी मैं देख रहा हूँ तारे का मेहता का उल्टा चश्मा, इसका तो मज़ा ही अलग है ना, इसका अलग ही मज़ा आता है, बहुत ही बढ़िया शो, सबसे बेस्ट एक्टर है। तो अभी अपना खाना आ चुका है, दाल और चावल, तो खाते हैं इसको, मेरे को अच्छे तो नहीं लगते पर खा लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो फिर खाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो गैस बस अब खाना खा लिया और मम्मा को भी खिला दिया मैंने खाना, अब थोड़ा ठीक लग रहा है मम्मा को, और मेरा भी अब गला ही है बस ख़राब, बाकी तो मैं ठीक हूँ। तो फिर अब से बस व्लॉग आएंगे, हर दूसरे दिन में एक व्लॉग आएगा, तो अब इस व्लॉग करते हैं एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।